बार में अब वक्त है सत्य और तथ्य का। कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का एक बड़ा नियम है और भारत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारे भत्ते के नियम में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, या यूं कहें कि इन महिलाओं को एक नई आजादी मिलने जा रही है। लेकिन सवाल सोच में बदलाव का है जो बहुत आवश्यक है, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को मिला हक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के गले नहीं उतरा, वो इसे शरिया में दखल बता रहा है, फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया है। लेकिन एक बदलाव दिल्ली से करीब 8000 किलोमीटर दूर कट्टरपंथी इस्लामिक राष्ट्र ईरान में भी हो रहा है, क्योंकि ईरान को अब एक ऐसा राष्ट्रपति मिलने वाला है जो उदार और खुले विचारों वाला है। वो सार्वजनिक मंचों से हिजाब के खिलाफ बोलते हैं, अपनी पार्टी के कट्टरपंथी नेताओं की मौजूदगी में डंके की चोट पर बोलते हैं, महिलाओं का सिर ना तो जबरदस्ती ढका जा सकता है और ना ही जबरदस्ती हिजाब को हटाया जा सकता है। ईरान ने नए राष्ट्रपति मसूद पेजिशकन, ईरान के इकलौते नेता हैं जिन्होंने 2022 में महसा अमीनी की मौत के खिलाफ जमकर आवाज उठाई थी। ध्यान देने वाली बात व्यूअर्स यह है कि मसूद उस वक्त ईरान के स्वास्थ्य मंत्री थे और यहां भारत में हिजाब की ठेकेदारी बेहद आम थी और अभी भी है। छोटी छोटी बच्चियों को धर्म के नाम पर हिजाब के जाल में फंसा दिया जाता है। स्कूल कॉलेज में जो पढ़ने लिखने की उम्र है वहां पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को हिजाब पहनने की को धार्मिक आजादी से जोड़ दिया जाता है। हिजाब का समर्थन करने वालों को सेकुलर और विरोध करने वालों को सांप्रदायिक का ठप्पा लगा दिया जाता है। जिसको हिजाब पहना पहनने, जिसको नहीं पहना ना पहने, लेकिन ड्रेस कोड को फॉलो करे स्कूल कॉलेजेस के। असादुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि देश में एक दिन हिजामत देश की प्रधानमंत्री बनेगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी हिजाब का परोक्ष रूप से समर्थन कर डाला था। यह महिला का अधिकार है कि उसे घूंघट लेना है, बिकनी पहननी है, जींस या हिजाब पहनना है, यह हक उन्हें संविधान ने दिया है। ईरान ने भारत में बैठे धर्म के मौका पर ठेकेदारों को बहुत बड़ा मैसेज दिया है, क्योंकि हमारे यहां खुलेआम लोगों को यह कहकर गुमराह किया जाता है कि हिजाब की खिलाफत धर्म की खिलाफत है। तो क्या ईरान की वो महिलाएं जिन्होंने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन किया था वो सब महिलाएं धर्म विरोधी थी? क्या ईरान के नए राष्ट्रपति भी धर्म विरोधी हैं? एक इस्लामिक राष्ट्र के नागरिकों ने कट्टरपंथ के खिलाफ वोट देकर साबित कर दिया है कि सभ्य समाज में धर्म के नाम पर प्रोपेगेंडा चलाने वालों का एक ना एक दिन खात्मा ही होता है। तो फिलहाल आज के आर पार के एडिशन में इतना ही। नमस्कार।